हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा गाइस कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग क्या होती है और इसको हम अपने लाइफस्टाइल में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। गाइस, उस पर क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। गाइस, जब भी हम कोई फूड ईट करते हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, तो गाइस उसके अंदर बस तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो गाइस, हर फूड के अंदर सेम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस उनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफर करती है। तो गाइस, चाहे बर्गर खाओ या फिर चपाती खाओ, पिज्जा खाओ या फिर ओटमील खाओ, गाइस सबके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो गाइस, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर आपको 4 कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको 4 कैलोरीज मिलती है और 1 ग्राम फैट के अंदर आपको अराउंड 9 कैलोरीज मिलती है। गाइस, अब डिस्कस करते हैं कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग क्या होती है। गाइस, फ्लेक्सिबल डाइटिंग का सिंपल सा मीनिंग है, गाइस जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हो, चाहे आप बल्किंग फेज में हो, चाहे आप कटिंग फेज में हो, चाहे आप फैट लॉस करना चाहते हो, चाहे आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, गाइस उसके अकॉर्डिंग आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है। बट फूड्स आप कोई से भी चूज कर सकते हो, वो आप बर्गर्स भी चूज कर सकते हो, पिज्जास भी चूज कर सकते हो, बट गाइस पूरे दिन में बस वो एक ही मील होनी चाहिए। मैं पूरे दिन में आपको जंक फूड खाने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी डाइट फ्लेक्सिबल होगी तो गाइस आप आसानी से गोल्स रीच कर पाओगे और उसको मेंटेन भी कर पाओगे। गाइस, स्ट्रिक्ट डाइट के साथ हर कोई फिजिक बना सकता है, बट गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग चूज करो, क्योंकि गाइस फ्लेक्सिबल डाइटिंग को चूज करने से जो आपने गोल्स रीच कर रहे हैं आप उनको मेंटेन कर सकते हो। गाइस, 6 मंथ्स के अंदर हर कोई मसल बिल्ड कर सकता है, 6 मंथ्स के अंदर हर कोई फैट लूज कर सकता है, बट गाइस उसको मेंटेन रखना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है और वो लोग इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट डाइट पे होते हैं। गाइस, बॉइल्ड फूड खाना, सॉल्ट छोड़ देना, पानी छोड़ देना, ऐसी सी चीजें करना, गाइस ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं है। अगर ये आपका लाइफस्टाइल है तो आपके लिए बेस्ट है, बट गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग को चूज करो, इससे आप आसानी से मसल बिल्ड कर सकते हो, साथ के साथ उसे मेंटेन भी कर सकते हो, इससे आप आसानी से फैट लूज कर सकते हो, साथ के साथ उसे मेंटेन भी कर सकते हो। गाइस, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि आपको अपनी डाइट कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपनी डाइट का एग्जांपल देता हूं। गाइस, मैं सुबह उठ के सबसे पहले पीनट बटर मिल्कशेक पीता हूं, जिसमें गाइस मुझे हेल्दी फैट्स मिलते हैं और इनफ कैलोरीज मिलती है। उसके बाद गाइस मील टू के अंदर मैं 4 चपातीस और कुछ दाल और उसके बाद टी कंज्यूम करता हूं। उसके बाद गाइस प्री वर्कआउट के अंदर मैं अपने कुछ सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता हूं, जैसे कि मल्टीविटामिन, सिट्रुलिन मैलेट, क्रिएटिन, ऐसे कुछ सप्लीमेंट मैं कंज्यूम करता हूं। गाइस, पोस्ट वर्कआउट के अंदर मैं 2 चीज बर्गर कंज्यूम करता हूं, जिसके साथ मैं चॉकलेट मिल्कशेक लेता हूं। एंड गाइस डिनर के अंदर मैं 4 चपातीस लेता हूं, जिसके साथ अगेन कोई दाल या सब्जी होती है। और गाइस रात को सोने से पहले मैं 12 टेबलस्पून ओट्स कंज्यूम करता हूं पानी के साथ। तो गाइस ये डाइट रहती है मेरे पूरे दिन की, जिसके अंदर मुझे मिलती है अराउंड 3500 से लेकर 4000 कैलोरीज और इसको मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूं। और गाइस ये डाइट मेरे लिए इसलिए भी सुटेबल है क्योंकि गाइस मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई है, एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा मेरा मेटाबॉलिक रेट हाई है। दूसरी चीज गाइस, मेरे जीन्स एक लीन स्ट्रक्चर के है, मतलब कि गाइस मैं कितना भी खा लूं बट वो मुझे फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, मुझे मसल बिल्ड करने में और वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। गाइस इस वजह से मैं ये डाइट फॉलो करता हूं। तो गाइस मैं किसी भी तरीके से आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप मेरी डाइट फॉलो करो, ये मेरे लिए हेल्पफुल है बट हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल ना हो। तो गाइस आप ट्राई कर सकते हो बट मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप मेरी डाइट फॉलो करो। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आपको कैसी डाइट फॉलो करनी है और उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है। गाइस सबसे पहला केस लेते हैं ऐसे पर्सन का जो फैटी है और जिसका मेटाबॉलिक रेट स्लो है और उसको फैट लॉस करना है, तो वो फ्लेक्सिबल डाइटिंग को कैसे चूज करे और कैसे ऑर्गेनाइज करे जिससे वो फूड्स भी कंज्यूम कर पाए जो उसको अच्छे लगते हैं और साथ के साथ वो अपना फैट लूज भी कर पाए। गाइस सबसे पहला फोकस का पॉइंट है कैलोरी डेफिसिट। गाइस कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हो उससे कम कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। गाइस सारे फूड्स भूल जाओ, जंक फूड्स भूल जाओ, हेल्दी फूड्स भूल जाओ, कोई फूड्स के बारे में मत सोचो। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे फोकस नहीं कर सकते, अगर आप डेली कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहोगे तो गाइस आप कोई फैट लूज नहीं कर पाओगे, चाहे आप जितने भी हेल्दी फूड्स कंज्यूम कर लो। तो गाइस सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कैलोरी डेफिसिट। गाइस उसके बाद आपके पास 2 वेज है जिससे आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग को अपने लाइफस्टाइल में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। गाइस सबसे पहला वे, सबसे पहले पता लगाओ आपको कितनी कैलोरी डेफिसिट रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फैट लूज करता हूं तो मैं 2000 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा कैलोरी डेफिसिट के लिए। तो गाइस सबसे पहला वे, आपको कोई एक ऐसा मील चूज करना है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप उसे डेली कंज्यूम कर सकते हो, मगर आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको वो 2000 कैलोरीज तक ही कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्गर कंज्यूम करना चाहता हूं और 2 बर्गर अमाउंट होते हैं 500 कैलोरीज, जिसका मतलब है रिमेनिंग 1500 कैलोरीज ही बस मुझे डाइट से लेनी है। अगर मैं उसे ज्यादा लूंगा तो गाइस मैं कैलोरी सरप्लस में चला जाऊंगा, फिर मैं फैट लॉस नहीं करूंगा।
तो गाइज इसलिए जो भी फूड आपको अच्छा लगता है उतनी कैलोरीज ही आपको उससे कंज्यूम करनी है और रिमेनिंग आपको डाइट से कंज्यूम करनी है, मगर आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। गाइज दूसरा पे आपको एक ऐसा दिन चूज कर सकते हो जिस दिन आप जंक फूड कंज्यूम करो और रिमेनिंग डेज आप बिल्कुल हेल्दी डाइट फॉलो करो, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो। वो आपको कैसे करना है गाइज, अगर मैं 2000 कैलोरीज डेली कंज्यूम करता हूँ कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए, तो वीकली मेरी बढ़ती है 14,000 कैलोरीज। और एक दिन मैं संडे को जंक फूड कंज्यूम करता हूँ, मान लो कि जंक फूड से मुझे 3000 कैलोरीज मिलती है पूरे दिन में, तो गाइज इसका मतलब है 11,000 कैलोरीज मुझे 6 दिनों में कंज्यूम करनी है। गाइज आगे मैं आपको समझा देता हूँ, 2000 कैलोरीज मैं डेली कंज्यूम कर रहा हूँ कैलोरी डेफिसिट के लिए, उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा वीकली के लिए, जिसका मतलब है 14,000 कैलोरीज मैं वीकली कंज्यूम करूंगा। संडे को मैं कंज्यूम करता हूँ चीट डाइट, जिसका मतलब है मैं पूरे दिन जंक फूड कंज्यूम करूंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं, उससे मुझे मिलती है 3000 कैलोरीज। अब गाइस 11,000 कैलोरीज मुझे 6 दिनों में कंज्यूम करनी है, जिसका मतलब है अराउंड 1800 कैलोरीज मुझे डेली कंज्यूम करनी है, तभी जाके मैं 7 डे पे जंक फूड कंज्यूम कर पाऊंगा, जिससे मेरी बॉडी में फैट भी नहीं चढ़ेगा। तो गाइस आपके पास दो वेज हैं, आप कोई सा वे चूज कर सकते हो। अब गाइस वो लोग जो डेली चीट मील कंज्यूम करना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना चीट मील 2 घंटा पहले वर्कआउट से कंज्यूम करो, और जिस दिन भी आप चीट मील कंज्यूम करते हो, इवन वो लोग जो संडे को चीट मील कंज्यूम कर रहे हैं या एक दिन चीट मील कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोग भी संडे को वर्कआउट करें। अगर आपका जिम संडे को बंद रहता है या संडे को आप वर्कआउट नहीं कर सकते, तो गाइज चीट मील का कोई ऐसा दिन चूज करो जिस दिन आप वर्कआउट कर सकते हो। एंड गाइज नेक्स्ट थिंग, जो लोग डेली चीट मील कंज्यूम कर रहे हैं, वो गाइज चीट मील कंज्यूम करने के बाद अपना वाटर इंटेक बढ़ा दे। गाइज वाटर इंटेक बढ़ाने से जो आपका चीट मील होगा वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा और वो आपकी बॉडी से जल्द रिमूव हो जाएगा। और गाइज जो लोग पूरे हफ्ते में एक ही दिन चीट डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोग अपने पूरे दिन में वाटर इंटेक को बढ़ा के रखें, जिससे उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव हो जाए और चीट डाइट का उनकी बॉडी पे कोई असर भी ना पड़े। गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रीट फूड्स कंज्यूम करो, ऐसे गन फूड कंज्यूम करो जिससे आप बीमार पड़ जाओ। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि वो फूड्स कंज्यूम करो जो आपको अच्छे लगते हो और जिनका हाइजीन अच्छा हो, और ऐसे प्लेस से कंज्यूम करो जिसका हाइजीन अच्छा हो, जो अच्छी तरह उस चीज को बनाता हो। गाइज मैं आपको किसी भी तरीके से ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप ऐसे प्लेस से कंज्यूम करो फूड को जहां से वो अच्छी तरह ना मिलता हो। तो गाइज जहां से भी आप कंज्यूम करोगे, बस उसको ये ध्यान में रखो कि उसका हाइजीन अच्छा हो, वो फूड को अच्छी तरह बना रहा हो, जिससे आप बस बीमार ना पड़ पाओ। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि वो लोग जो फैटी होते हैं और जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, वो कैसे फ्लेक्सिबल डाइटिंग को इंक्लूड कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा जो लोग स्किनी होते हैं या स्किनी फैट होते हैं, या फिर जो लोग लीन बल्क करना चाहते हैं, वो फ्लेक्सिबल डाइटिंग को कैसे इंक्लूड करें। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।